व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप तो ये सारे ठीक होंगे। ये नेट कॉलेज की वीडियो के लिए काफ़ी ज़्यादा आपको वेट करना पड़ा। जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स थे बहुत बार उन्होंने बोला कि नेट कॉलेज की वीडियो कब आएगी। सो अब आ चुकी है नेट कॉलेज की वीडियो। अगर आप नेट कॉलेज में जाना चाहते हैं या वहाँ के आपको ऑफर लेटर आ चुकी है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। बहुत ज़्यादा मतलब कि इन्फॉर्मेशन भी ली है और आपको पता होना चाहिए कि कौन से प्रोग्राम्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो कर देते हैं शुरू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, नेट कॉलेज और सेट कॉलेज, ये दो कैंपस हैं। एक है नॉर्थ में अल्बर्टा के और एक है साउथ के अल्बर्टा में। एक एडमिंटन साइड और एक कैलगरी में है, नदरन अल्बर्टा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और जो सेट है उसका है सदर्न अल्बर्टा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और बात करते हैं इसमें, सबसे पहले इसकी हर एक चीज़ मैं बताऊंगा, कहाँ पे इसके कैंपस हैं, कितने कैंपस हैं, आपको काम मिल सकता है वहाँ पे या नहीं मिल सकता, आपका जो एक्सपेंस होगा, लिविंग एक्सपेंस वो कितना होगा, और कितने कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप जा रहे हैं डिप्लोमा कोर्सेज के लिए, डिप्लोमा अगर आपका प्रोग्राम है या कोर्स है कोई भी है, अगर डिप्लोमा है आपको 2 ईयर्स का है, तो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 67 आपके पास रेंजेस हैं। मतलब कि रेंज नहीं बोल सकते, 67 कोर्सेज आपको वो प्रोवाइड करता है कॉलेज, जिसमें आपके पास प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस हैं अगर आप डिप्लोमा के लिए जा रहे हो, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वो देते हैं। अगर आप डिग्री और सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और तीनों चीज़ को इकट्ठे कर दो तो आपके पास 95 कोर्सेज हो जाते हैं। बहुत ही वाइड रेंज है, कोई भी मेरे हिसाब से ऐसा कॉलेज नहीं होगा जो 95 कोर्सेज आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, 95 प्रोग्राम्स या कोर्सेज, कुछ भी आप बोल सकते हो उसको, वो प्रोवाइड करेगा आपको। ठीक है, और अगर आपने अकेले डिप्लोमा कोर्सेज देखने हैं तो जिसमें डिप्लोमा कोर्सेज आपके हैं 67, ए टू जेड कोर्सेज अगर आपने लेने हैं डिप्लोमा बिजनेस का कोर्स, अगर आपने अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, चाइल्ड एंड यूथ केयर, हर कोई यहाँ पे आपको डिप्लोमा मिलेगा। मतलब कि बेकिंग एंड पेस्ट्री आर्ट्स, बायोलॉजिकल साइंस, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग इन्वायरमेंटल सिस्टम्स, हर एक आपको चीज़ यहाँ पे नेट कॉलेज में हर एक प्रोग्राम अवेलेबल है। अगर आप डिग्री के लिए जाना चाहते हैं तो डिग्री के लिए आपके पास थोड़े से ऑप्शंस कम हो जाएंगे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से ऑप्शंस हैं, बिकॉज डिप्लोमा में आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं। और अगर मैं डिग्री के लिए देखूँ तो आपके पास 11 आपके पास प्रोग्राम्स हैं। बैचलर ऑफ अप्लाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसमें अकाउंटिंग टेक्नीशियन भी है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का, वो बैचलर्स में है। जैसे हम बीकॉम वगैरह करते हैं, बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, हर एक चीज़। मतलब कि अगर आप डिग्री की तरफ जाएंगे तो आपको 11 कोर्सेज मिलेंगे, ठीक है, अगर आप डिप्लोमा की तरफ जाएंगे तो आपको 67 कोर्सेज मिलेंगे, और सर्टिफिकेट कोर्सेज आपको 15-20 सर्टिफिकेट कोर्सेज मिल जाएंगे अगर आप किसी और कॉलेज से इस कॉलेज में अगर आप आना चाहते हो। तो ये तो बात होगी कोर्सेज की, और उसके बाद हम बात करते हैं फीस की, जो मेन पॉइंट है, जो चीज़ मतलब कि हर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट को इसके बारे में मतलब कि पता होना चाहिए कि फ़ीस क्या है। तो बात करते हैं फ़ीस की। फ़ीस में मैं आपको सारी तो नहीं बता सकता, हर एक प्रोग्राम की मैं नहीं बता सकता, मैं नीचे PDF डिस्क्रिप्शन में आपको PDF दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके कोई भी अपना अपने जो भी कोर्स करना है आप वहाँ पे जाके अपनी फ़ीस दे सकते हैं। मैं वैसे आपको एक और भी ज़रूर दे दूंगा जिसमें यहाँ पे एडवांस केयर पैरामेडिक जिसकी 1 ईयर की फ़ीस है अप्रॉक्सीमेटली 24,150, ठीक है, और पर क्रेडिट की उसकी, पर क्रेडिट के हिसाब से आप भी लगा सकते हो $1,020। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटिंग अगर मेजर लेते हैं तो फर्स्ट ईयर की 1 साल की फ़ीस है $17,700, और दूसरे साल की फ़ीस इतनी ही है, 2 साल का प्रोग्राम है, जैसे अगर डिप्लोमा प्रोग्राम है आपका तो टोटल फ़ीस 35,400। ऐसे करके आप देख सकते हो, आपको नीचे मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको PDF डाल दूंगा। और उसके बाद करते हैं कि इनके कितने कैंपसेस हैं नेट कॉलेज के। नेट कॉलेज के 4 कैंपसेस हैं, 3 कैंपस जो है वो है एडमिंटन में और एक है स्पोर्ट्स ग्रूव में। वो मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन से कैंपस में, मतलब कि ज़्यादातर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं वो कौन से कैंपसेस में, मेन कैंपस में ही जाते हैं वो, और बाकी जो कैंपस हैं वो मेरे हिसाब से उधर कोई भी नहीं जाता या फिर उनको एडमिशन्स नहीं मिलती हैं। मेन कैंपस में आपके जो
कोर्सेज होते हैं वो होते हैं अप्लाइड टेक्नोलॉजी के हिसाब से, एडमिनिस्ट्रेशन, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़, ये चीज़ें होती हैं उसमें, जहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मेन कैंपस जो है वो डाउनटाउन में है वहाँ पे ही आपको एडमिशन्स मिलते हैं, और बाकी जो स्पोर्ट्स ग्रुप में है, शाउच कैंपस है, पैट्रिशिया कैंपस है, जहाँ पे इनमें ये होता है कि पाइप फिटिंग, स्टीम फिटिंग ज़्यादातर अपने लोग बहुत ज़्यादा कम, यानी कि 5-10% ही करते हैं, ज़्यादा नहीं करते, और क्रेन एंड होस्टिंग इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट्स वगैरह चलाते हैं वो, इसलिए ये दूसरे कैंपसेस हैं। तो हमारा क्या है, हमने सिर्फ या फिर कोई कोर्स ले लिया डेंटल के रिलेटेड ले लिया, अपने इंजीनियरिंग के रिलेटेड ले लिया, या फिर बिजनेस के रिलेटेड ले लिया, ये चीज़ है, तो हमें मेन कैंपस ही मिलता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं वहाँ पे लिविंग एक्सपेंस कितने हैं। लिविंग एक्सपेंस की मैं अगर बात करूँ तो वैसे मैं एडमिंटन में रहा तो नहीं हूँ, बट कुछ जैसे मैं जब गया था तो मैं 1-2 दिन वहाँ पे ज़रूर रहा था, काफ़ी वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, पता करके चला कि अगर आप डाउनटाउन में लेते हैं तो आपको कॉस्टली पड़ेगा अप्रॉक्सीमेटली $1,000, और अगर आप 2-3 जाने हो तो आपको सस्ता भी मिल सकता है। ये सिर्फ आपके ऊपर है कि आप घूम के कि कैसे, मतलब आप ले सकते हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड ओवर देयर जिसने, वो अभी वर्क परमिट पे है, बट उसको डाउनटाउन में काफ़ी अच्छे रेट पे मिल गया था, 900 या 1,000 में मिल गया था उसको, 800 में भी मिल रहे थे वहाँ पे। बट आपको ये है कि वहाँ पे थोड़ा सा कॉस्टली है, जितनी देर तक आप स्टूडेंट परमिट पे हो या स्टूडेंट हो तो आप थोड़ा सा डाउनटाउन से हट कर ले लीजिए। अगर आपको कॉलेज के पास चाहिए तो वो ज़्यादा यही होगा ना कि अगर आपको कॉलेज के पास मिलेगा तो जो आसपास वाले होंगे वो रेट भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, चलो स्टूडेंट को पास में चाहिए, तो अगर पास में मिलता है तो भी ठीक है, नहीं मिलता है तो थोड़ा सा आप यार 2-4-5 किलोमीटर दूर ले रहे हो, क्योंकि वहाँ पर ट्रांजिट सर्विस बहुत बढ़िया है। आप वहाँ पे जाओगे, आप अपना पास बना सकते हो, बस पास बना सकते हो अपना, ट्रांजिट का जो ट्रेन चलती हैं वहाँ पे, जैसे हमारे मेट्रो चलती है वैसे वहाँ पे भी चलती हैं, तो आप उसका पास बना लो, तो आप पास बना के अपने कॉलेज पहुँच सकते हो। बट ये होगा कि आपको अगर आप 5-10 किलोमीटर अपने कॉलेज से दूर हो, 5 किलोमीटर, तो आपको थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ेगा अगर आपको पहुँचना है कॉलेज टाइम पे। अगर आपके पास अपनी कन्वीनियंस होगी तो आप 15-20 मिनट पहले भी वहाँ निकल के वहाँ पे पहुँच सकते हो, बट अगर आपको ट्रांजिट सर्विस चाहिए वहाँ की तो आपको 1-1.5-2 घंटे पहले उठना पड़ेगा और जाना पड़ेगा। और आगे मैं बात करता हूँ काम, मेन थिंग जो है काम आपको एडमिंटन में मिल जाएगा, बहुत 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 काम है वहाँ पे, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोला मैंने बहुत 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 काम बोल दिया, जब आप विंटर्स में जाते हो तो काम थोड़ा सा कम भी हो जाता है, ये बात नहीं होती है कि पूरे 12 महीने नहीं वहाँ पे काम रहता है, बट ये है कि हाँ अगर आपको 20 घंटे हैं तो 14-15 घंटे आपको कुछ ना कुछ काम तो आपको ज़रूर वहाँ पे मिलेगा, काफ़ी बड़ी सिटी है और आपको काम वहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा, मैं ये आपको बोल देता हूँ। अगर आप ढूंढोगे, अगर आपको आपके अंदर काम करने की इच्छा होगी तो आपको मिल सकता है वहाँ पे काम, कोई ऐसी बात नहीं है। काम के सिलसिले में आप कहीं भी अपने रिज्यूम्स दे सकते हो, ठीक है। आपको अगर ये नहीं है कि हाँ अगर 20 घंटे का 20 घंटे काम चाहिए, अगर आपको एम्प्लॉयर 15 घंटे भी दे रहा है दैट्स इट, मतलब ठीक है यार, आपका खर्चा तो निकलेगा एटलीस्ट, ठीक है। उसके बाद अगर आपका काम अच्छा लगा उनको तो वो आपको और आवर्स बढ़ा देंगे आपके, आपके 20 घंटे 1 हफ्ते के पूरे कर देंगे, काम की कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप मेरे को, कई पेरेंट्स के भी मेरे को मैसेजेस आए कि मेरे को पूछा उन्होंने काम का सीन कैसा है वहाँ पे, काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप बेफिक्र हो जाओ काम आपको मिल जाएगा एडमिंटन में, कोई ऐसी बात नहीं है। बट ये है आपको थोड़ा सा आपको हाथ पैर मारने पड़ेंगे, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, बट जब आपको मिल गया तो ठीक है, बहुत ही अच्छा कॉलेज है नीट, और अगर आपको ऑफ लेटर मिल चुकी है तो गो फॉर इट, और आप कची जी पे भी देख सकते हो, आपने कुछ बुकिंग्स वगैरह कर ली हैं, फ्रेंड्स हैं वहाँ पे तो आप प्री बुक कर सकते हो उनको 100-200-300 एडवांस रेंट देकर। और मेरे को ये नहीं पता है कि नेट कॉलेज, जैसे कई कॉलेज होते हैं उनके डॉर्म होते हैं, जैसे डॉर्म है आपको प्रोवाइड करवाते हैं नहीं करवाते हैं, बट अगर फिर भी है तो मेरे हिसाब से, तो मैंने रिसर्च आउट करा था, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट अगर आप बाहर लोगे तो आपको ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, कि अगर आप आना चाहते हो तो और ज़्यादा रिसर्च करो थोड़ा सा कि काम आपको बता, मैंने आपको वैसे भी बता दिया काम जो अगर आप घंटे कम भी मिल रहे तो आप काम शुरू कर दो, उसके बाद जब समर्स आएंगे तो वेट कर।
कुछ ऐसा नहीं करने की जरूरत, आपका खर्चा निकल जाएगा। यही थी वीडियो, अगर वीडियो लगी इन्फॉर्मेटिव तो लाइक कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, तो मिलते हैं और हाँ नीचे कमेंट सेक्शन सिर्फ आपके लिए ही है, सिर्फ आपके लिए। कोई भी अगर जैसे मेजॉरिटी में मेरे को मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे काफ़ी कि नेट कॉलेज, और मैंने नेट कॉलेज की जो वीडियो है वो बनाकर मैंने डाल दिया। तो आपको अगर अगली वीडियो किसी भी कॉलेज पे चाहिए तो मेरे को बता दो, आई विल सून मेड ऑन इट एंड पोस्ट इट। कमेंट सेक्शन सिर्फ आपके लिए ही है, कमेंट कीजिए। हम मिलते हैं अगली।